एक या 2 मिनट में, प्लीज वेट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल जो है वो 3 जून प्लान 1947 उसको जो है वो पढ़ा था। आज का हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है सर्विसेज ऑफ कायदे आजम फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। सर्विसेज ऑफ कायदे आजम एक बेसिकली जो है वो ये एक एस्टेब्लिशमेंट की एक्टिविटीज उसकी एक समरी है, क्योंकि कायदे आजम जो है वो करीब करीब तमाम मामलात के अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक चली तो उस वक्त कायदे आजम साथ थे। अगर हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हकीकी तहरीक की बात करें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक जो है वो 1930 के बाद है, क्योंकि अलामा इकबाल पहली शख्सियत थे जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर वाज़े अल्फाज में पेश किया और उसके बाद तहरीक जोर पर। लेकिन खैर, कायदे आजम ने जब अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद की जो कैफियात उन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ तो एक ये समरी है, यानी एक चीज हमने एक तरह जो है वो पहले पढ़ा हुआ है उसी की एक जो है वो रेपिटेशन है, तो हम उसको जो है वो पढ़ते हैं, उसकी इब्तदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो कायदे आजम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन दिसंबर 25th 1876 इन कराची इन अ ट्रेडर फैमिली ऑफ गुजरात काठियावार। आप पैदा तो कराची में हुए लेकिन कराची में जो आपका खानदान का ताल्लुक वो गुजरात से था। एक जो है वो तिजारती फैमिली थी। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम द सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची। सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची से अपने तालीम हासिल की। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम लिंकन्स इन लंदन ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर इन बॉम्बे। अपनी जो है वो तालीम आपने मुकम्मल करने के बाद आपने बॉम्बे में प्रैक्टिस स्टार्ट की। ये सिंध मदरसतुल इस्लाम ये वही जो है वो स्कूल है जो कि अलीगढ़ मूवमेंट के तावन से जो है वो स्टार्ट हुआ। मैंने आपको जो है इसका बेसिकली असाइनमेंट में भी जो है वो दिया हुआ है इसके मुतल्लिक जो है
तो कायदे आजम ने 1893 के अंदर यहाँ से मैट्रिक जो है वो किया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम लिंकन्स इन लंदन, उसके बाद तालीम के लिए आप इंग्लैंड तशरीफ ले गए, वहां आपने लिंकन्स इन से लॉ की डिग्री ली और उसके बाद आप बॉम्बे वापस आए और आपने बॉम्बे में आके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। ही रिमेन्ड विद दादाभाई नौरोजी एज अ सेक्रेटरी एंड आफ्टरवर्ड जॉइंड कांग्रेस। इब्तदा के अंदर जैसे आपने दादाभाई नौरोजी को ज्वाइन किया एज ए सेक्रेटरी और इसके साथ साथ आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया। दादाभाई नौरोजी असल बात है सर, वकालत के अंदर ये चीज की शर्त होती है कि कोई भी वकील जो इब्तदा के अंदर जैसे वो तालीम हासिल करता है LLB वगैरह की, तो वो 2 साल तक कम अज कम किसी के साथ बतौर जूनियर काम करे, तो उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाजत मिलती है। तो इब्तदान आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया वो कांग्रेस थी। इन द बिगनिंग ही वाज ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इब्तदान अगर आपकी जैसी है वो जिंदगी के ख्यालात देखे जाए तो आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी की हामी थे और इस यूनिटी के हामी आपकी जैसी है वो एक्टिविटी से जो है वो पता लगता है। 1913 के अंदर आपने जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो आपने 2 ऐड करवाए ऑब्जेक्टिव्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जिसके अंदर पहला जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट था। दूसरा जो पॉइंट था वो यही था कि सोशल वेलफेयर विद द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वहां भी जो है वो यूनिटी की बात है। तो इस बेस के ऊपर आपकी इब्तदा जो है वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पर जो है वो चलती रही। ज्वाइनिंग मुस्लिम लीग, कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 विद द एफर्ट्स ऑफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर। At the same time, he became the member of Congress and Muslim League. 1913 के अंदर आपने All India Muslim League को ज्वाइन किया मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कोशिशों से, और इसी तरह जो है जिस वक्त आपने इसको ज्वाइन किया तो आप ऑलरेडी कांग्रेस के मेंबर थे, तो इसके साथ साथ आप मुस्लिम लीग के भी जो है वो मेंबर बने। अपनी इसी सोच को, यूनिटी की सोच को आपने एज अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, दो दो पार्टियों के आप मेंबर थे, तो आपने इसी सोच के लिए काम किया। तो आपने जो है वो 1916 के अंदर एक पैक्ट करवाया है जिसको नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट का, जिसके अंदर बेसिक पॉइंट जो है वो यूनिटी का ही था कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इख्तलाफी हैं, जो अपोजिशन के हैं, उन पॉइंट्स को जो है उनके ऊपर डायलॉग करके इत्तेहाद की बात जो है वो की जाए। तो जो चीज सामने आई वो ये चीज थी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों का राइट सेपरेट इलेक्ट्रेट तस्लीम नहीं करता और मुसलमान जो है उसको छोड़ने को तैयार नहीं। इस बेस के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो डायलॉग, और डायलॉग के बाद जो रिजल्ट निकला कि हिंदू इस बात को मानने को अक्सर तैयार हुआ कि वो मुसलमानों के इस राइट को तस्लीम कर ले। तो जिस बेस के ऊपर मुसलमानों के इस राइट को पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा इस लखनऊ पैक्ट के अंदर एक्सेप्ट किया गया, पूरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री के अंदर। तो 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ और इस लखनऊ पैक्ट की बेस के ऊपर हिंदुओं ने मुसलमानों का मुतालबा सेपरेट इलेक्ट्रेट तस्लीम किया। इसके साथ साथ मुसलमानों को इस पैक्ट से जो और फायदा हुआ, मुसलमान जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, हिंदू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं समझते थे। यही चीज हमने जो है पीछे कांग्रेस शिमला कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो देखी कि जहां बेसिकली इख्तलाफ ही ये था कि कांग्रेस कहता था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस का ये भी कहना था कि बेसिकली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इब्तदान कि वो मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ तो दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान और एक कांग्रेस के दरमियान, तो इस बेस के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक लीगल एंटिटी बनी, क्योंकि एग्रीमेंट जब भी होता है वो दो लीगल एंटिटीज के दरमियान होता है, एक चीज। और दूसरी चीज, जब सेपरेट इलेक्ट्रेट को तस्लीम किया तो हिंदू जो है मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन मानने को तैयार नहीं था। हिंदू ने हमेशा उसको जो है वो कम्युनल पार्टी का नाम दिया कि कुछ लोग हैं जो कि अपने मुतालबात जो है वो पेश करते हैं और बड़ी छोटी सी उनकी तादाद है, तो उनको कम्युनल पार्टी का जो है वो नाम दिया।
तो इस बेस के ऊपर जो है सर वो हिंदू उसको जो है सर सेपरेट नेशन मानने को तैयार नहीं। लेकिन इसके अंदर अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की डेफिनेशन देखी जाए तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डेफिनेशन के अंदर ये बात वाजे है कि ये बेसिकली होता ही एक नेशन के लिए है। राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ अ डिफरेंट नेशंस आर प्रोटेक्टेड बाय फिक्सिंग देयर सेपरेट सीट्स। हमने इसकी डेफिनेशन इस अंदाज में पढ़ी सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो यानी इनडायरेक्टली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी भी तस्लीम किया गया और इनडायरेक्टली ऑल इंडिया मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन जो है वो भी तस्लीम किया गया। और तीसरी चीज जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के राइट बतौर उनका राइट जो है वो भी तस्लीम किया गया। रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस। ही वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट नैरो माइंडेडनेस ऑफ हिंदू लीडर्स ऑफ कांग्रेस ही डिड नॉट सक्सीड। एट लास्ट ही गॉट फेड अप एंड लेफ्ट कांग्रेस इन 1920 एंड डिसाइड टू वर्क फॉर मुस्लिम ओनली। हिंदुओं की जो है वो नैरो माइंडेडनेस इसको जो है वो मद्देनजर रखते हुए लाजमी बात लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट के अंदर हिंदुओं ने जो है इसको तस्लीम किया ऑल इंडिया मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट के राइट को, लेकिन बाद में उन्होंने उसको इनकार कर दिया। मुसलमानों को इस बात पे वो तैयार ही नहीं थे कि मुसलमानों को कोई राइट जो है वो दे। इसी तरह हिंदुओं के और मामला के अंदर नैरो माइंडेडनेस। आखिरकार कायदे आजम जो है वो कांग्रेस से फेडअप हुए और उन्होंने 1920 के अंदर कांग्रेस से रिजाइन किया और सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए मेंबरशिप रहना गवारा किया। कायदे आजम एंड दिल्ली प्रपोजल्स। दिल्ली प्रपोजल्स हुई 1927 के अंदर, जिसके अंदर मोतीलाल नेहरू ने कायदे आजम को इस बात की ऑफर की कि वो मुस्लिम लीग की दूसरी तमाम डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे अगर मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट का मामला छोड़ दें, सेपरेट इलेक्टोरेट से विदड्रॉ कर लें, क्योंकि ये बेसिक जो है वो पॉइंट है जो कि हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद में रुकावट है। और जैसा कि पहले भी बात बताई कि कायदे आजम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार थे और कायदे आजम को 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट की बेस के ऊपर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर का खिताब भी मिल चुका था। तो कायदे आजम की अपनी वही सोच के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, तो कायदे आजम ने इसी के ऊपर जो है वर्किंग स्टार्ट की और कायदे आजम ने मुस्लिम लीडर्स को इकट्ठा किया 20 मार्च 1927 को। कुछ सजेशन जो है वो बनाई गई जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ने की बुनियाद पर थी। उन सजेशन को कांग्रेस के सामने रखा गया, मोतीलाल नेहरू को दिया गया। सजेशन वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द हिंदूज एंड कायदे आजम विथड्रू दिल्ली प्रपोजल एंड मुस्लिम रिमेन फर्म एट द सेपरेट इलेक्टोरेट। जब उसको मानने को तो, जब माना नहीं गया तो फिर कायदे आजम ने जो है वो प्रपोजल्स को विड्रॉ किया और सेपरेट इलेक्टोरेट का मामला जो है वो बाकी रहा। लेकिन एक बात कि यहाँ कायदे आजम अपनी बात के ऊपर फर्म रहे, पक्के रहे और हिंदुओं को जो है वो राह फरार इख्तियार करना पड़ा। चलिए कायदे आजम एंड नेहरू रिपोर्ट 1928 अगस्त 1928 सात रुकनी कमेटी ने जो कि नेहरू की प्रेसिडेंटशिप के अंदर काम कर रही थी, उसने एक रिपोर्ट पेश की जिसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। इस रिपोर्ट की भी अगर बैकग्राउंड देखी जाए तो रिपोर्ट की बैकग्राउंड ये है कि अंग्रेज ने मुसलमानों और हिंदुओं को कहा कि मैं मुख्तलिफ मामलात के अंदर बहुत सी चीजों को जो है वो अप्रूव करता हूँ, यानी बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं, उन ऑर्डर्स को कभी मुसलमान जो है वो छोड़ देता है, कभी जो है वो हिंदू वो छोड़ देता है, कभी मुसलमान कभी हिंदू। इस बेस के ऊपर जो है वो रिजल्ट क्या होता है, मामला जो है वो पेंडिंग हो जाता है। ऐसा करें कि मुसलमान और हिंदू मिलकर कुछ अपनी तजावीज जो है वो पेश करें, उन तजावीज के बेस के ऊपर अंग्रेज जो है वो फैसला करेगा और वो जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगी। इसी बेस के ऊपर तीन अफराद जो है वो मुसलमानों के और तीन अफराद हिंदुओं के लिए गए और उनको जो है वो हेड किया नेहरू ने और एक रिपोर्ट जो है वो बनाई गई जिसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया, जिसके अंदर नेहरू ने अपनी हेडशिप से जो है वो फायदा उठाने के बाद उसने रिकमेंडेशंस दी कि हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया हैव बिकम सेपरेट एंटिटी। सॉरी, उसने जो है बेसिकली जो है वो कंडेम किया इस बात को कि सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है वो नहीं होना चाहिए। सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज स्ट्रांगली अपोज्ड, उसने जो है उसकी मुखालफत की, उसको जो है कंडेम किया। तो कायदे आजम ने इसके खिलाफ
ये बात कही कि हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया हैव बिकम सेपरेट एंटिटीज नाउ ऑनवर्ड। क्यों? बेसिकली हिंदू जो है वो मुसलमान के किसी राइट को जो है वो मानने को कबूल ही नहीं, कोई राइट जो है वो देने को तैयार ही नहीं। यहां से कायदे आजम की जो है वो सोच आहिस्ता आहिस्ता सेपरेशन की तरफ जो है वो बनी। इसके मुकाबले में कायदे आजम ने इसी के जवाब के अंदर, नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स पेश किए। 14 पॉइंट्स, पहला तो जो था उसका मकसद नेहरू रिपोर्ट का जवाब था, दूसरा मकसद गाइडलाइन फ्यूचर के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल जो करनी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसके लिए जो है वो, तो इस बेस के ऊपर इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के अंदर इन पॉइंट्स को यूनानिमसली अप्रूव किया गया 25 मार्च 1929 को, जिसके अंदर कायदे आजम ने ये सजेशन दी कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का इख्तियार होना चाहिए कि वो जिस तरह चाहे इंतखाबात में हिस्सा ले। मसलन सपोज, इसकी मिसाल इस अंदाज से कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहता है कि वो सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले तो उसको उसका इख्तियार होना चाहिए, और वो किस तरह करके मुमकिन होगा, जैसे कि सीट्स जो है वो फिक्स कर दी जाए। लेकिन इन हालात के अंदर कांग्रेस अगर वो कहता है कि जी कंबाइंड इलेक्टोरल सिस्टम हो तो उसको उसका इख्तियार दे दी जाए, जो उसके बकाया जो सीट्स हैं उसकी, सपोज अगर 100 सीट्स हैं, 100 के अंदर से जो है वो फिक्स की जाती हैं मुसलमानों के लिए 20, तो बकाया 80 अगर उसके ऊपर जो है वो कांग्रेस कहता है कि जी कंबाइंड इलेक्टोरल सिस्टम हो तो उसको इस बात के ऊपर जो है वो इख्तियार दे दिया जाए, यानी उसके ऊपर जो है मुसलमान भी खड़े हो जाए, उसके ऊपर हिंदू भी खड़े हो जाए, उसके अंदर दूसरी मिनोरिटीज जो है वो भी कैंडिडेट्स हों, उसके अंदर जो है वो किसी एक नेशन के साथ फिक्स ना की जाए, तो ठीक है उसको इसका इख्तियार दे दिया जाए। लेकिन ये कहते बात मुनासिब नहीं कि एक नेशन का मामला जो है जो उसका राइट है उसको जो है वो खत्म किया जाए। तो चलिए, तो कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स जो है वो पेश किए, और इसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल गाइडलाइन जो है उसके अंदर पेश किए, और उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के अंदर यूनानिमसली अप्रूव किया गया। कायदे आजम एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस, दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस जिसके अंदर कायदे आजम ने शिरकत की 1930 और 1931, उसके बाद जो है वो तीसरी के अंदर ना कायदे आजम ने शिरकत की ना इसी तरह कांग्रेस की तरफ से। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी जो कि इंग्लैंड में हुई, कायदे आजम की कोशिशों से मुसलमानों के कोई एंटी रेजोल्यूशन पास ना हो सका, और खास तौर पे यहां भी मामला जो है वो सेपरेट इलेक्ट्रेट का था, उसके अंदर भी जब हिंदू कामयाब ना हुए तो फिर अंग्रेज को जो है वो कम्युनल अवार्ड जो है वो पेश इशू करना पड़ा, जिसकी बेस के ऊपर ना सिर्फ मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट का राइट मिला बल्कि और भी जो है मिनोरिटीज उनको भी सेपरेट इलेक्ट्रेट का राइट जो है दिया गया। तो चलिए, कायदे आजम की कोशिशों से मुसलमानों के खिलाफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी जो है वो कोई ऐसे ऑर्डर्स पास ना हो सके। बायकॉट ऑफ पॉलिटिक्स 1931 के अंदर कायदे आजम गांधी के, कांग्रेस के और इसी तरह बहुत से मुस्लिम लीडर्स के बिहेवियर से फेड अप हुए। कायदे आजम ने इस बात का डिसीजन लिया कि पॉलिटिक्स को खैर बात कहा जाए और फिर उसके बाद लंदन जाके वहां रिहाइश इख्तियार की जाए, और कायदे आजम ने ऐसे ही किया। 1931 के अंदर कायदे आजम ने पॉलिटिक्स का बाइकआउट कर दिया। आखिरकार जो है वो अलामा इकबाल और इसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनकी कोशिशों से 1934 के अंदर कायदे आजम को वापस लाया गया, और आपको जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर की गई, जिसको आपने एक्सेप्ट किया, जिसके बाद आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया और उसकी अचीवमेंट्स के लिए जो है वो काम स्टार्ट किया। रोल ऑफ कायदे आजम ड्यूरिंग कांग्रेस रूलिंग 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्ट्रेट को बाकी रखा गया, इसी तरह 1937 के इलेक्शन जो कि एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के तहत हुए, जिसके अंदर मुस्लिम लीग के मुसलमानों के पास 492 सीट्स थी आउट ऑफ 434 सीट्स, और इसी तरह सेंट्रल असेंबली के अंदर जो है वो 30 सीट्स थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसके अंदर उन इंतखाबात में शिरकत की। इंतखाबात के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वो अक्सरियत नहीं मिली जिसके मुतालिक जो है वो ख्याल किया जाता था कि उनको इतनी अक्सरियत मिलेगी, 108 सीट्स उनको मिली आउट ऑफ 492। और हुकूमतें जब बनी तो वो हुकूमतें जो सी हैं वो कांग्रेस की ज्यादा बनी, और हिंदुओं के पास 8 जो सी हैं मिनिस्ट्रीज थी, मुसलमानों के पास सिर्फ 3 मिनिस्ट्रीज, यानी हिंदुओं की जो सी हैं वो मेजॉरिटी थी। इस सूरत हाल के अंदर कायदे आजम ने
प्रॉपरली पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लिया और कांग्रेस की पॉलिसीज को कंडम किया, और इसके साथ साथ जहां जहां मुसलमानों को जरूरत थी उस जरूरत के मुताबिक जो है वो काम किया। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज प्रूव दैट अंडर हिंदू गवर्नमेंट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वर नॉट सिक्योर्ड। कायदे आजम नॉट ओनली क्रिटिसाइज देयर रॉन्ग पॉलिसीज बट ऑल्सो मेड मुस्लिम लीग अलाइव टू एक्सेप्ट द फ्यूचर चैलेंजेस। बेसिकली यही था ना मुसलमानों का कि अगर अंग्रेज जो है वो यहां से चला जाएगा और हिंदू मेजोरिटी की बेस के ऊपर हकूमत में आएगा तो मुसलमानों को जो है वो राइट नहीं मिलेंगे। ये तो सिर्फ जो है वो बातों की हद तक थी, लेकिन 1937 के इलेक्शन के अंदर ये बात जो है वो प्रूव हुई कि कायदे आजम का और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुतालबा जो है वो ठीक है। तो इस बेस के ऊपर जो है वो कायदे आजम ने क्रिटिसाइज भी जो है वो किया और मुसलमान करते ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अलाइव पे रखा, और ये पॉइंट के अंग्रेज जब यहां से चला जाएगा तो हिंदू जो है वो मेजोरिटी की बेस के ऊपर हकूमत में आएगा तो मुसलमानों के कभी भी राइट्स जो है वो महफूज नहीं होंगे। इनको जो है वो इस अंदाज से उजागर किया कि जब 1940 इन्होंने रिजाइन किया, 1939 के अंदर हिंदुओं ने कायदे आजम ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, यौम नजात मनाया, और इसके साथ साथ जब 27th एनुअल सेशन 1940 के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ तो मुसलमान कम से कम एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कंफर्म थे और वो पॉइंट जो है वो सेपरेशन का था। तो खैर डे ऑफ डिलीवरेंस मुस्लिम लीग की कोशिशों से, कांग्रेस की अपनी जो है वो नाअहली से, और इसी तरह जो है वो इंग्लैंड की तरफ से कुछ मुतालबात जो है वो पेश किए गए 1939 के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, इंडिया इंग्लैंड का मुतालबा हिंदुओं से और बड़े सगीर से ये था कि इसके अंदर वार के अंदर हिंदुस्तान साथ दे इंग्लैंड का, लेकिन कांग्रेस ने इस बात का कहा कि हम साथ देने को तैयार हैं इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड भी इस बात का वादा करे कि जब ये जंग खत्म होगी तो उसके बाद इंग्लैंड यहां से रुखसत हो जाएगा बर्रे सगीर से, जिसको इंग्लैंड ने जो है वो तस्लीम नहीं किया। तो उसी के दबाव को मजीद बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने जो है अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया। तो चलिए, इस रेजिग्नेशन के बाद 22 दिसंबर 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस यौम निजात मनाया। कायदे आजम एंड लाहौर रेजोल्यूशन 27th एनुअल सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसके अंदर कायदे आजम ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस पेश किया और इस बुनियाद के ऊपर कि मुसलमान एक सेपरेट नेशन है, मुसलमानों को एक अपने सेपरेट नेशन होने के बतौर सेपरेट नेशन उनके राइट्स जो हैं वो यूनाइटेड इंडिया में महफूज नहीं, इसलिए मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो कायदे आजम की इसी तकरीर और उसी के बाद 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि मौलवी फजल हक शेर बंगाल ने पेश किया, और उसके अंदर जो है वो यूनैनिमसली तमाम मुसलमानों ने जो उधर मौजूद थे उन्होंने उसको अप्रूव किया। तो ये भी कायदे आजम की कोशिशों से, कायदे आजम की प्रेसिडेंटशिप के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ये काम जो है हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा काम था जिसके ऊपर तमाम मुसलमान इकट्ठे हुए और तमाम मुसलमानों का एक सिंगल गोल हुआ। कायदे आजम एनक्रिप्ट मिशन, फिर 1942 के अंदर मार्च 1942 के अंदर सर स्टीफन क्रिप्स की सरबराही के अंदर एक और कमीशन जो है वो बड़े सगीर आया, जिसके अंदर बेसिक ये पॉइंट था कि जंग सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगी उसके बाद जो है वो कानून साजी होगी। जिन्होंने जो है वो कानून साजी को तस्लीम ना किया उनको इस बात का राइट होगा कि वो सेंटर से अलहदा हो जाए, जो जिन प्रोविंसेस ने कानून साजी से हम कहते इत्तेफाक ना किया उनको इस बात का राइट होगा कि वो सेंटर से अलहदा हो जाए। तो इस चीज को ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तस्लीम किया, इसको ना जो है वो कांग्रेस ने तस्लीम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कहना यह था कि इसके अंदर बेसिकली जो है वो पाकिस्तान का वाज़े अल्फाज के अंदर जिक्र मौजूद नहीं, कि जो प्रोविंसेस की अलहदगी की बात की जाती है
उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के उन प्रोविंसेस की जो है वो बात होनी चाहिए जिसका मुसलमानों ने मुतालबा किया है। तो जबकि कांग्रेस का कहना यह था कि हम तो बेसिकली हम ही जो है वो यूनाइटेड इंडिया के हैं, इसके अंदर जो है वो डिवीजन की बात है, तो डिवीजन को हम जो है वो तस्लीम नहीं करते। तो चलिए, खैर, कायदे आजम ने अपने इस पॉइंट के हद तक के पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तहरीक जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, इस चीज को जो है वो मानने से इनकार किया। गांधी जना टॉक्स 1944 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रही थी। ख्याल ये किया जा रहा था कि अंग्रेज इसके अंदर शिकस्त खा जाएगा, अंग्रेज जो है वो कमजोर था। इसी को जो है वो आगे बढ़ाते हुए गांधी ने कायदे आजम से ये मशवरा किया कि सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक चलाई जाए अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ। सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी की तहरीक, जिसके अंदर हो सकता है कि हम जो है जो जो चीजें इसके अंदर पॉसिबल होती है कि जी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देंगे ताकि गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो, इसी तरह जो है वो यूटिलिटी बिल्स की जो है वो अदायगी नहीं होगी ताकि गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा हो, इसी तरह बाज बरता इसके अंदर ऑफर की जाती है कि बेसिकली जो है वो जेल भरो तहरीक, कि हमें जो है बाहर रहना पसंद नहीं, हमें जेलों के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जो है वो प्रोटेस्ट और मामला, तो गांधी ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से इस सिलसिले में जो है वो मशवरा किया और उनकी जो है वो मदद चाहिए। कायदे आजम ने इस पॉइंट के ऊपर मदद देने को तैयार हुए कि अगर गांधी मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन तस्लीम कर लें इसके बाद और मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट की बात करें तो मुसलमान और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कांग्रेस का और हिंदुओं का इस मामले में साथ देने को तैयार है। लेकिन कायदे आजम के इस पॉइंट को जो है वो तस्लीम नहीं किया गया, जिसकी बेस के ऊपर ये मामला आगे ना बढ़ सका। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कायदे आजम ने यहां भी जिस पॉइंट को जो है वो उजागर किया वो पॉइंट ये ही था कि सेपरेट नेशन और सेपरेट स्टेट वाली बात। फिर इसके बाद जो है कायदे आजम एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, ये जो है हमने डिटेल से पीछे पड़ा, शिमला कॉन्फ्रेंस उसका फेलियर एंड कायदे आजम वॉज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फेलियर, जिस कायदे आजम को जो है वो कहा जाता था कि कायदे आजम बेसिकली इसके जो है वो सबक बने इसके फेलियर के, तो कायदे आजम ने जो है वो प्रूव किया। और कायदे आजम का बेसिक मुतालबा क्या था कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस शिमला कॉन्फ्रेंस में शरीक होती है तो तमाम की तमाम यानी 5 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जो है वो ली जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। तो कायदे आजम का ये पॉइंट, ये चैलेंज सबब बना 1945-46 के इलेक्शन का, और फिर 1945-46 का इलेक्शन जिसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ी अक्सरियत मिली और वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, और वो सिंगल पॉइंट पाकिस्तान आज नो पाकिस्तान, पाकिस्तान बनना है या नहीं बनना। थे तो पॉइंट्स जो है वो मुख्तलिफ, लेकिन कायदे आजम ने इसको कंसीडर एक सिंगल पॉइंट के तौर पर जो है वो किया। उसके अंदर भी हमने पढ़ा 1945-46 के अंदर कि कायदे आजम ने इसको कंसीडर किया बेसिकली ये रेफरेंडम है, और रेफरेंडम के अंदर एक सिंगल पॉइंट होता है जिसका जवाब यस या नो में होता है, हाँ या नहीं। उसी की जो है ये स्लोगन है मुख्तलिफ, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ जा एज अ सेपरेट नेशन, इसी तरह जो है वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। कायदे आजम की कोशिशों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक बड़ी अक्सरियत इसके अंदर अक्सरियत हासिल की, 434 सीट्स आउट ऑफ 492, और इसी तरह जो है वो इलेक्शन के बाद एक अलायंस के बाद 446 आउट ऑफ 492, 406 प्रोविंशियल असेंबली की सतह तक पर, जो कि तकरीबन 91% के करीब जो है वो बनता है। और इसी तरह अगर सेंट्रल असेंबली में देखा जाए तो वहां 100% 30 out of 30 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो विन की। इतनी बड़ी अक्सरियत के बाद अंग्रेज को सीरियसली ये सोचना पड़ा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मुतालबात हैं उनके ऊपर जो है वो वर्की की जाए। कायदे आजम एंड कैबिनेट मिशन प्लान, आखिरकार एक दोबारा कोशिश की गई अंग्रेज की तरफ से, जिसके अंदर दोबारा सर स्टीफन क्रिप्स जो है वो एक मिशन लेके, कैबिनेट मिशन लेके बरे सगीर आए। काबीना मिशन के अंदर यूनियन साजी की बातें थी कि बरे सगीर को 3 यूनियन के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया जाए, पंजाब, इसी तरह जो है वो सिंध,
और NWFP, इसको एक जो है वो यूनियन बना दिया जाए, इसी तरह जो है वो आसाम और बंगाल को एक यूनियन बना दिया जाए, हिंदू मेजोरिटी इलाकों को एक यूनियन बना दिया जाए, कुछ चीजें जो सी है वो सेंटर के इख्तियार में रहे, जिसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बकाया जो है वो यूनियंस को जो है वो तकसीम कर दी जाए, और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़े कुछ अर्सा के बाद, और 10 साल का पीरियड दिया गया, अगर 10 साल तक इन मामला जो है कोई पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो इतराज हो, किसी प्रोविंस को जो है वो यूनियन को जो है वो इतराज हो, तो बस 10 साल के बाद जो है वो सेंटर से अलग हो सकती है। इस कैबिनेट मिशन को, काबीना मिशन को कांग्रेस ने मानने से इनकार किया, लेकिन कायदे आजम ने पॉलिटिकल हालात को देखते हुए इसको एक्सेप्ट किया। इसी के बेस के ऊपर बाद में जो इलेक्शन हुए 1945-46 के, उसकी रिजल्ट के अंदर हुकूमतें बनी सितंबर 1946 में। कायदे आजम को भी जो है इस हुकूमत के अंदर इनवाइट किया गया, कायदे आजम को जो है मिनिस्ट्री दी गई, लेकिन कायदे आजम की कोशिशों से यह हुकूमतें 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकी। अगर यह हुकूमत चल पड़ती तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान बनने का मामला जो है वो पेंडिंग हो जाता। यह हुकूमतें नहीं चली, ना चलने की बिना के ऊपर आखिरकार अंग्रेज को यह सोचना पड़ा कि हर प्लान जो है वो तरतीब दिया जा गया, हर प्लान जो है वो नाकाम हुआ। इसी तरह हुकूमतें बनी, हुकूमतें नाकाम हुई, इलेक्शन हुए, इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो नाकाम हुआ, तो आखिरकार जो मुतालबा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसको तस्लीम किए बगैर कोई और हल नहीं। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुतालबा जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का था, जिसकी बेस के ऊपर 3 जून प्लान 1947 को तरतीब दिया गया। 3 जून प्लान 1947 के अंदर जो एक खतरनाक बात थी कि एक कॉमन गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड माउंटबेटन हो, जिसकी हमदर्दियां कांग्रेस के साथ थी या हिंदू के साथ थी, और उसने अपनी इन हमदर्दियों के बेस के ऊपर पाकिस्तान को बहुत जगह पे जो है वो नुकसान पहुंचाया। सर रेड कल्फ को जो है वो चेयरमैन बनाया बाउंड्री कमीशन का, जिसकी बिना के ऊपर जो है उसने बहुत सी नाइंसाफियां की। तो कायदे आजम ने जो है इस मानने को, इस पॉइंट को मानने से इनकार किया कि कॉमन गवर्नर जनरल के तौर के ऊपर सर रेड कल्फ जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। तो कायदे आजम के इस पुरजोर इसरार के बेस के ऊपर ये क्लास पाकिस्तान के लिए जो है वो रिमूव की गई, और कायदे आजम जो है वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल मीन मैंने आपको पहले ही बताया कि एज अ सदर। कायदे आजम एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, आखिरकार ड्यू टू दी ऑल दीज एफर्ट्स ऑफ कायदे आजम, 14 अगस्त 1947 वाज द डे व्हेन द ड्रीम ऑफ द इंडियन मुस्लिम केम ट्रू। इंटेलिजेंस ऑफ कायदे आजम सक्सीडेड एंड द कॉन्स्पिरेसीज ऑफ हिंदू एंड ब्रिटिश डिफीटेड। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ओनली बिकॉज ऑफ कायदे आजम इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द मैजिकल पर्सनैलिटी ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। तो ये जो है उसका आखिर एक कंक्लूजन कि कायदे आजम के कोशिशों से ही जो है वो पाकिस्तान जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। ये एक पोलिटिकल जो एफर्ट्स थी उनकी जो है वो एक हिस्ट्री है जो आपके सामने जो है वो रखी। तो हमारा जो है ये आज तीसरा चैप्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वो जो है वो जाहिरन जो है वो खत्म हुआ, लेकिन तीन हमारे टॉपिक जो है वो अभी अंदर मौजूद हैं, जो कि खिलाफत मूवमेंट का है, इसी तरह अलामा इकबाल का 1930 का खुतबा अलाहाबाद है, और तीसरा जो है वो 1937 के इलेक्शन है। तो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि अगले जो है वो वीक के अंदर हम इनको जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, इनको जो है वो कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद फर्दर। जी स्टूडेंट्स, कोई बात अगर आप लोगों ने जो है वो करनी हो कोई टॉपिक के मुतल्लिक या कोई और चीज। अलैकुम सर, सर काइंडली असाइनमेंट का बता दें क्या करना है। बेटा असाइनमेंट आज 17 हो गई है, आप लोगों में से ऐसे करें जो आपके सीआर हैं, कोई अपनी जो है वो ईमेल आईडी के ऊपर जो है तमाम असाइनमेंट्स जो है वो मंगवा लें, अपनी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसके ऊपर जो है वो तमाम ईमेल आईडी जो है वो सीआर या जीआर अपनी अपनी क्लास की जो है वो इकट्ठी कर लें, और उसका तरीकेकार वही आपने थर्ड आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आपने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर जो है वो देखा है कि उसको आप बेसिकली उसके वो बनाएंगे पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो बनाएंगे उसकी पिक्चर लेके, तो उसके बाद जो है वो उसको आप अपने सीआर को जो है उनके पास इकट्ठा करवा दें। मैं फिर सीआर से जो है ना वो
किसी जरिए से जो है वो मंगवा लूंगा। अगर ईमेल के जरिए आ सकी तो ईमेल के जरिए मंगवा लूंगा, या व्हाट्सएप जो भी सूरत तैयार होगी। उसका साइज जो है वो एक मरतबा पता लग जाए तो फिर साइज के मुताबिक जो है वो इकट्ठी फाइलें जो है आप लोगों की मंगवाऊंगा। ठीक है, तो अपना जो है उसके लिए पीडीएफ फाइल उसको जो है वो बना दीजिए। आपने जो की हुई है यानी जो आपने हार्ड कॉपीज तैयार की हैं उनकी जो है उसकी पिक्चर लेके उसकी जो है वो पीडीएफ बनाइए, और उसके बाद उनको जो है अपने सीआर के पास जो सब इकट्ठा करवाइए। ठीक है, और मैं सीआर से जो है वो ये है ना आज 17 है, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो 22 तक तकरीबन 4-5 दिन है आपके पास, जो है 22 तक मैं फिर सीआर को जो है बताऊंगा उसने जो है उसको क्या करना है जी। अगर कोई इसके ऊपर किसी और का कोई मशवरा हो तो जी सुबह। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह फिर सीआर को बताऊंगा। तो ये 22 तक सीआर आपसे भी मैं जो है वो कह रहा हूँ 22 तक ये कंप्लीट हो जाए। अगर 22 के बाद मैंने एक मरतबा अपने पास मंगवा ली फिर उसके बाद जो है वो मैं उसको जो है वो कंसीडर नहीं करूंगा, तो उनके पास जो है या मेल यस के सर, जरिए ठीक जो है। है वो इकट्ठी कर लें, या जो है वो व्हाट्सएप के जरिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना लें उसके ऊपर जो है मंगवा लें, फिर वो इकट्ठा ही जो है वो ग्रुप के अंदर, या तो मैं जो है वो बेसिकली आपसे कहूंगा मुझे शेयर कर मुझे जैसा ज्वाइन कर लें तो मैं उसके अंदर जो है वो तो ऐसी कुछ जो सब जो पार्क करें स्टडी का ग्रुप बना हुआ है उसी में करवाना बेटा। उसके अंदर ना मंगवाए वो है, जो बात पार्क स्टडी का है ग्रुप बना हुआ है उसी नहीं, अब जो पार्क स्टडीज का ग्रुप बना हुआ है ना फिर उसके अंदर आप सब की जो है जब इकट्ठी हो जाती है तो फिर मेरे लिए वो दूसरे के साथ जो है और एक्टिविटीज के साथ जो है ये शामिल हो जाती है, फिर जो है वो उनको तलाश करना और फिर जो है वो मुश्किल हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो फिर मिस हो जाती है उसके अंदर। इसका एक अलग ग्रुप बनाए, में। उस ग्रुप के अंदर इकट्ठा करें इसको, और इकट्ठा करने के बाद फिर उसके बाद जो है मैं आपसे कहूंगा उसको जो है वो यानी ये सिर्फ ग्रुप इसी का ही हो असाइनमेंट्स का, कोई और चीज उसके अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, इसी तरह ईमेल अगर यस सर, ठीक ईमेल के है। अंदर इकट्ठा करना है तो ईमेल को भी जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो ईमेल इसके अंदर आपकी ही हो, कोई और चीज जो है मौजूद ना हो। देख लेते हैं उसको, असल साइज के ऊपर बेस करता है, कितना साइज जो है वो बनेगा उस साइज के बेस के ऊपर जो है वो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करके मेरे पास जो है वो आ जाएंगे। मैं सीआर से बात कर लूंगा, सीआर ने करना है या जीआर ने करना है अपनी क्लास का एक नुमाइंदा मुकर्र करें और उसके बाद उसको जो है वो ये सारी इकट्ठी करवाएं। ठीक है, मैंने जो आप चीजें आपसे कही हुई हैं इसको जो ओके है सर जी, कंपोज फॉर्म में नहीं होगी बार में, एक आपको कहीं आप ये सोचें कि इसकी पीडीएफ फाइल नहीं, कंपोज फॉर्म में ये होनी नहीं है, ये हार्ड कॉपीज बननी है और हार्ड कॉपीज की आपने पिक्चर लेनी है, और पिक्चर के बाद उसको पिक्चर्स को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने जो है वो जिस तरह करके आप एग्जाम में करते रहे अपने पेपर्स के साथ वही तरीके का जो है वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। दूसरा बेटा मैं वो एक बात करूँ, आपकी अटेंडेंस जो है ना वो मुझे शायद मुझे वो तो भेज देते हैं, आ जाती है, खैर आप लोगों की आ जाती है लेकिन फिर भी कोशिश करें कि और जल्दी जो है वो मुझे भिजवा सके फौरी। वैसे तो मुझे जो है वो HND की कल भी जो है वो फौरी आ गई थी, असल बात ऐसे है मुझे आजकल में जो है आपकी अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, और साथ साथ भी अटेंडेंस के ऊपर जो है वो देखिएगा, किसी को कोई मसला आ रहा हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, देखिए उसको फिर किस तरह करके सॉल्व करते हैं। ठीक, अपनी अटेंडेंस जो है वो चेक कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दूंगा बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।